नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो में जानेंगे जो यूनिवर्सिटी व कॉलेज छात्रों के लिए आज की जो नई अपडेट निकल के आ रही है उसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी से अपडेट हो और आपको जानना भी जरूरी हो, इसलिए आपको वीडियो ध्यान से समझना है। इस वीडियो में दो बड़ी अपडेट हैं जो कि एक एक करके हम बताएंगे। पहले हम बात करेंगे पहले यूनिवर्सिटी के, फिर दूसरी की बात करेंगे, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी से हो। अगर नहीं होगी अपडेट तो आप भी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट में लिख दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपकी यूनिवर्सिटी से हम बना सके वीडियो, ठीक है, कोई अपडेट आए तो। पहले जो बड़ी अपडेट है ध्यान से समझिएगा, आप सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र हैं ही, तो जानना जरूरी है। क्योंकि ये जो अपडेट है वो आ रही है कि IGNU इग्नू एडमिशन 2021 और लिखा है कि इग्नू ने फ्रेश एडमिशन और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाई, यानी कि इन्होंने जो एडमिशन की जो तिथि थी रजिस्ट्रेशन के लिए वो इन्होंने बढ़ा दी। पहले क्या थी और अब क्या हो गई, इसको हम समझते हैं आगे क्या लिखा है डिटेल में। इसमें लिखा है कि इग्नू एडमिशन 2021 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय या इससे संबद्ध जितने भी कॉलेज हैं उन छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो ध्यान समझिएगा। लिखा है कि इग्नू ने जुलाई 2021 सत्र में स्नातोत्तर, स्नातक एवं अन्य पाठ्यक्रमों में फ्रेश एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब इग्नू के इन तमाम कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए 15 सितंबर 2021 तक आवेदन किया जा सकता है, जबकि पहले लास्ट डेट 31 अगस्त तय की गई थी। फ्रेश एडमिशन और रजिस्ट्रेशन के लिए विद्यार्थी इग्नू की जो वेबसाइट है इस पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें जो इग्नू की जो रजिस्ट्रेशन की जो तिथि थी, यानी कि प्रवेश लेने की, पहले रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद प्रवेश परीक्षा होगी, आप लोगों की धोखा सिस्टम आप सभी को मालूम ही अच्छी तरह पे। तो इसमें जो पहले जो डेट थी वो 31 अगस्त ही लास्ट डेट थी, लेकिन छात्रों की डिमांड की वजह से या फिर बहुत सारे छात्र एडमिशन या रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, तो उनके डिमांड के अकॉर्डिंग अभी ये डेट है वो 15 सितंबर बढ़ा दी गई है। तो आप 15 सितंबर तक किसी हर हाल में एडमिशन यानी कि रजिस्ट्रेशन जरूर से ज़रूर करा लें, ठीक है, जितने भी छात्र हैं इग्नू या उससे संबंधित कॉलेज के, और अन्य कॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो इस वीडियो में ध्यान से वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप अपनी यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करिए और अपने एडमिशन के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी लीजिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। और इसमें लिखा कि फ्रेश एडमिशन चाह रहे उम्मीदवारों को नया रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और सारी डिटेल्स भरकर अपने कोर्सेज का चुनाव करना होगा। विद्यार्थी इग्नू द्वारा कई विषयों में ऑफर किए जा रहे हैं, मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, पीजी डिप्लोमा व डिप्लोमा, पीजी सर्टिफिकेट व प्रिपरेशन, ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको इस वेबसाइट में मिल जाएंगी, यहाँ से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ टोल फ्री नंबर से बात कर सकते हैं, ठीक है। हम दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ते हैं जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया, लिखा कि इन्होंने लिखा कि ECC, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी है ECC जो कि इविंग क्रिश्चियन कॉलेज की ओर से अनाउंसमेंट हो रहा है कि इसमें 1 सितंबर से नए सत्र का आगाज हो जाएगा। स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष की जो कक्षाएं वो बुधवार से शुरू होने जा रही हैं, हालांकि कोविड के कारण इस बार सत्र काफ़ी विलंब से हो रहा है, ये सबको मालूम है कि हाँ विलंब हो रहा है। फिलहाल ऑनलाइन परीक्षाओं के साथ नए सत्र की शुरुआत होने जा रही है। स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों का नया सत्र 8 अक्टूबर से शुरू होगा। इस यूनिवर्सिटी में या इससे संबंधित जितने भी कॉलेज हैं उनकी जो स्नातक की जो प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं, ठीक है, उनकी जो सत्र है 8 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। तो आई होप आप सभी को जानकारी दोनों मिल गई हैं जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी से आपको जानना जरूरी था। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, पूछिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।